झाड़ू साहब कुल्लू भैया आप सुना था कि करीब होना चाहिए मालिक और नौकर को, मगर इतने करीब होना चाहिए यह आज पहली बार देखा है। वो गुल्लू भाई बात ये तो मेरी ची 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 कैसी गंदी बात सोच रहा है, मैं तो कारोबार की कर रहा था बात। यार गुल्लू तुम तो बड़े समझदार आदमी मालूम होते हो यार, इसका मतलब ये हुआ कि जब रोटी पूरी ना मिले तो उसे आधी आधी बांट लेना चाहिए। यार सुरेश अपनी रोटी आधी आधी नहीं, अपनी रोटी के टुकड़े होंगे तीन। तीन? ये तीसरा कौन है भाई? ओए मैं राजेंद्र उर्फ जिंदर उर्फ मामा। अरे गुल्लू बाचा मेरे बगैर लंका में आग नहीं लग सकती। हाँ मतलब ये कि हमारे बिना सब कुछ हो सकता है, नकारे बेवकूफ है मैं और साढ़ू साहब। बल्लू ठीक कहता है, आपकी मामागिरी कब तक चलेगी? ओहो यार तुम तो तबेले के भैंसे ही रहे। अरे बरखुरदार इतना भी नहीं जानते कि काम करने के लिए दो आंखें दो पैर दो हाथ चाहिए होते हैं। हाँ और वो मजबूत हाथ हम हैं मामा। ओए मैं सदके जावा गुल्लू बेटा। ओए ओए चीयर चीयर चीयर। हेलो मैं आशा बोल रही हूँ। आशा का फोन है, मुझे घर जल्दी बुलाने के लिए उसने व्रत रख छोड़ा है, सुबह से फोन पे फोन किए जा रहे हैं। अरे मुझे देना फोन। हेलो बिटिया मैं मामा जिंदर बोल रहा हूँ। मामा जी वो अभी तक नहीं आए हैं, आप तो जानते ही हैं कि आज जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाते मैं पानी भी नहीं पी सकती। लेकिन बिटिया वो भी नहीं आ सकता, उसके कांधों पर काम का पूरा बोझ पड़ा हुआ है। जी मामा जी वो थोड़ी देर के लिए गुल्लू भाई साहब काम नहीं संभाल सकते? अरे वो अभी नया है ना, अरे जो एक जिम्मेदारी उसे दी है वही नहीं संभल रही है उससे। ठीक है मामा जी, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उन्हें जरूर भेज दीजिएगा। हाँ हाँ बिटिया जल्दी भेज दूंगा। ओहो कल ऑडिटर्स आने वाले है ना, हाँ हाँ मैं उसे बहुत जल्दी भेज दूंगा। वैसे भी मैंने उसका सारा बोझ अपने कांधों पर ले लिया है। ओ, ओ,